नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीबीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे वो है हुंडई की प्रीमियम हैचबैक i20, जो गाड़ी लॉन्च हुई थी नवंबर के महीने में और विद इन 2.5 मंथ इस गाड़ी को आईकॉटी यानी कि इंडियन कार ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिल चुका है। अब इस गाड़ी के बारे में आगे बात करते हैं। पिछले बार जो हमने गाड़ी चलाई थी वो थी i20 की 1 लीटर टर्बो डीसीटी 7 स्पीड डीसी, ये वाली है 6 स्पीड IMT, which stands for intelligent manual transmission, जो Hyundai की एक अपनी पेटेंट कराई गई टेक्नोलॉजी है। So let the car open its wings, check out the ORVM. That's all. चलिए बात करते हैं आगे वीडियो पर। तो अगर बात करें इसकी चाबी से, ये है i20 Sports Turbo 1 लीटर DCT पेट्रोल। इसमें आपको 3 बटन आते हैं, लॉक अनलॉक, ये होल्ड करने पे बोर्ड खुलता है, आपको एक फ्लिप की मिलता है और ये सेकंड आपको एक मैनुअल की मिलता है जो फिजिकल की है। अब अगर करते हैं गाड़ी को अनलॉक तो एक ये बीप सा साउंड आएगा, हॉर्न साउंड बेसिकली, लॉक पे एक, अनलॉक पे एक। अगर आप देखोगे लॉक किया हमने, मिरर खुद से बंद, अनलॉक किया, मिरर खुला। अब गाड़ी में ऑफर पे क्या है इस वेरिएंट में, यहाँ पे बेसिकली एक आपको हैलोजन, येलो हैलोजन लाइट्स मिलते हैं, लो बीम हाई बीम, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स उस पर भी आपको मिलते हैं, DRLs ज़रूर आपको मिलते हैं मगर यहाँ नहीं, इस पोजीशन पे नहीं, DRLs आपको यहाँ मिलते हैं फॉग लाइट के जस्ट ऊपर। यहाँ पे आपको वो वेंट्स नहीं है जैसा आपको 1 लीटर टर्बो DCT में आता था एस्टा वेरिएंट में। यहाँ पे बहुत नीट सी टर्बो की बैजिंग, कैस्कलेड ग्रिल सेम यहाँ पे भी कंटिन्यू होता है, DRL और प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स येलो कलर के। अब अगर बात, बाहर कुछ है नहीं बहुत दिखाने को, हाँ इसमें आपको सिंगल टोन स्टील व्हील्स मिलते हैं, स्टील व्हील्स माइंड यू ये अलॉय नहीं है, स्टील व्हील्स है, इसके अंदर स्टील है, ये कवर है जो लाइक इवन दूर से क्या, अगर आप पास से भी देखो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये स्टील व्हील है, इतना नीटली इस पर ये कवर चढ़ा है। इसका टायर साइज़ है 195/55R16 का टायर है, सेम जैसे आस्टा में आते थे। यहाँ पे एक IMT की बैजिंग। अब चलते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ, यहाँ पे वही ब्लैक सील आपको मिलता है। किया हमने गाड़ी को अनलॉक, ORVMs खोले, यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल मिलते हैं, गाड़ी लॉक अनलॉक, पावर विंडो के स्विचेस, ड्राइवर साइड विंडो में आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन मिलता है यानी कि वन टच अप एंड वन टच डाउन। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं है, आपको ये मैनुअल की इंसर्ट करना होगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और DRVM जैसे फीचर्स नहीं आते मगर इसमें आपको ABS प्लस EBD एज स्टैंडर्ड मिलता है। इसमें स्क्रीन छोटा सा है, एग्जैक्ट स्क्रीन साइज अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मैनुअल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये मैनुअल AC स्विचेस हैं, फैन स्पीड 4। इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, लाइक डेफिनेटली नॉट बेस्ट इन द सेगमेंट लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है लाइक। और टॉप एंड वेरियंट और इस वेरियंट में, स्पोर्ट्स वेरियंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट चॉइस ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल चॉइसेस वही है। ये पता नहीं लाइक टॉप एंड वेरिएंट में ये i20 इसमें एक नया ये चीज़ एलिमेंट ऐड किया गया है जो थोड़ा सा ऐसे डक जैसा लगता है, ये डक काइंड ऑफ इसको लुक दिया गया है। इसमें भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, इल्यूमिनेटेड इसमें भी नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, जो आपको इसके ऊपर वाले वेरियंट यानी कि जो पिछले वीडियो में था जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसमें ये मैनुअल स्विचेस नहीं थे, फिजिकल स्विचेस नहीं थे वॉल्यूम और रेडियो स्विच स्विच करने के लिए। इसमें दिया गया जो बहुत बेहतरीन है, इसमें आपको आर्मरेस्ट ज़रूर मिलता है मगर एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है, आप पीछे नहीं कर सकते हो। IMT है तो लाइक यू गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6th में। अब हम अगर हमने इसे रिवर्स में करना है, अभी ये रिवर्स में नहीं लगेगा, ये अभी भी फर्स्ट में। रिवर्स में करने के लिए यू हैव अ स्विच, आपने इसको फ्लिक किया, ये देखो ये इतना चल गया। अगर आप बिना स्विच फ्लिक किए करते हो ये इतना जाएगा, स्विच फ्लिक करके इतना जाएगा, देयर इज़ अ डिफरेंस राइट, बेसिकली एक सेफ्टी मेजर। यहाँ पे आपको वही 12V सॉकेट, USB, यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट की तरह आपको USB पोर्ट नहीं मिलता, आपके यहाँ पे सिंगल USB पोर्ट है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर नहीं है। 1 लीटर डोर पॉकेट्स ऑन ऑल द 4 डोर्स। आपको इसमें भी 6 स्पीकर्स मिलते हैं, लाइक 4 स्पीकर्स ऑन ऑल द 4 डोर्स, दो एक ट्वीटर वहाँ, एक ट्वीटर वहाँ और एक ट्वीटर आपको यहाँ मिलेगा इस वाले पे पीछे के। ये बिल्कुल वैसी है, लेआउट बिल्कुल वैसा है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको नहीं मिलेगा एंड क्रेटा की याद ज़रूर दिलाएगी ये स्टीयरिंग व्हील आपको।
सेम थिंग एन ऑफर, आपको यहाँ भी एसी मिलता है फॉर द रियर पैसेंजर ऑफ कोर्स, यहाँ पे आपको 12 लाइक यूएसबी सॉकेट मिलता है, यहाँ पे यू हैव स्पेस कि आप अपना फ़ोन रख सको, एलिवेटेड यहाँ भी मिलता है आपको फुटबेड, सीट वही सेम लाइक कॉपर स्टिचिंग के साथ है, लेदरेट सीट एंड फॉर द मिडिल पैसेंजर आपको लैप बेल्ट मिलता है, यू डोंट गेट 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एक सिंगल रूफ लैम्प है यहाँ पे फॉर द रियर पैसेंजर और एक वहाँ है, सारे येलो लाइट है, ये देखो मैनुअली डे नाइट IRVM में एंड यहाँ पे आपको अभी भी ये इतना जगह रह जाता है, यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइवर सनवाइज़र पे मिरर नहीं मिलता है, और भैया हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, पार्सल ट्रे आपको मिलता है एंड दैट्स ऑल दिस व्हीकल हैज़ फॉर द रियर पैसेंजर। मैं आपको आइसोफिक्स स्टैंडर्ड मिलता है सारे वेरिएंट्स पे। अब अगर करते हैं सीट को फुल फ्लैट फोल्ड, एक यहाँ पे है, इसको आपने ऐसे पुल करना है, फिर एक इस साइड मिलता है जिसको आपने ऐसे पुल करना है एंड सीट इज डाउन, बूट काफ़ी बड़ा सीट फोल्ड होने के बाद, सीट इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं होती है, वन फोल्ड होता है सीट, 60-40 स्प्लिट नहीं है सीट में, हियर यू कैन सी द बूट, करते हैं सीट को वापस उसी पोजीशन में, सीट बहुत इजीली लॉक हो जाती है एंड डोर का थर्ड इज़ क्वाइट गुड, लाइक यू नो सॉफ्ट सा है बट इट फील्स कि डोर लाइक बहुत सेटिस्फाइंग साउंड करता है। ये हो गया इसका रियर लुक, आपको रियर पे वाइपर नहीं मिलता है मगर कोई आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और शार्क फिन एंटेना ज़रूर मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश रियर पे भी है, रियर सिल एंड गाड़ी लॉक, हमने अगर सिर्फ यहाँ पे एक बटन इसको प्रेस करो नहीं खुलेगी, अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे इस वाले बटन को, बूट खुल गया। यू नो एक और चीज़ क्या है, लाइक अभी बूट हमने बंद किया, बूट अब नहीं खुलेगा, गाड़ी अभी पूरी तरीके से लॉक है, अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे वहाँ देखना हो गया, अब इसके बाद बूट ऐसे ही नहीं खुलेगा, आप कितना भी पुल कर लो, यहाँ पे एक बटन है, यू नीड टू प्रेस दैट, उसको प्रेस करोगे तब जाके बूट खुलेगा, लाइक सेम एस्ट्रा ऑप्शन में, आप एस्ट्रा वेरिएंट में भी इनफैक्ट यहाँ पे एक सबवूफर आता था जो इसमें आपको नहीं है, यहाँ पे आपको सबवूफर की जगह एक हुक मिलता है, यहाँ पे बूट लैम्प नहीं है एंड गोइंग फॉर द टायर साइज, एक साइज छोटा टायर है, दैट्स 185/65 R15 राइट, रेडियल 15 इंचेस का टायर है जिससे आप मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे कैरी कर सकते हो, लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन दैट, यहाँ पे इलास्टिक नहीं मिलता है, सो दैट्स ऑल। अब अगर बूट में फंस जाते हो व्हाट यू कैन डू, ये ऐसे करो, यहाँ पे आप कोई भी नोकीला सा चीज़ इस डू इट लाइक दिस, बूट खुल जाएगा, डू लाइक दिस, यहाँ पे एक लीवर है उसको आपको बस ऐसे पुल करना, हल्का सा इंसर्ट करो, इट डज, दैट्स ऑल दिस व्हीकल हैज़ ऑन ऑफर। अब बात करते हैं i20 के, इसका ड्राइविंग इंप्रेशंस कैसा है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑलमोस्ट एक मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेआउट पूरा मैनुअल है लेकिन इसमें क्लच नहीं है, माइंड यू इसमें सिर्फ एक्सेलरेटर पेडल, ब्रेक पेडल विदाउट क्लच, इसमें क्लच पेडल है ही नहीं, ये खुद से कंप्यूटर सेंस करती है एंड आफ्टर दैट जब गाड़ी को सेंस होता है कि आप ये चेंज करने वाले हो, लाइक यू आर अबाउट टू चेंज द गियर, वो खुद से क्लच को एंगेज कर देती है, ना पुटिंग द गियर इन फर्स्ट, ब्रेक से पैर हटाने के बाद डिस्पाइट द फैक्ट थोड़ा सा स्लो पे गाड़ी खुद से बढ़ रही है, देखना एंड ये सिर्फ फर्स्ट गियर में नहीं है, ये इवन सेकंड पे भी है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी स्पीड अटेन करती है अराउंड 5 to 6 इनफैक्ट 7 किलोमीटर तक अटेन करती है, सेकंड गियर पे गाड़ी स्पीड अटेन करती है बिना एक्सीलरेटर प्रेस किए अराउंड 15 or 15-16 की। अब करते हैं हल्का सा एक्सीलरेटर को प्रेस, सेम वही है, गाड़ी स्टेबल है, लाइक अराउंड द कॉर्नर्स अगर आप 30-40 पे भी टर्न करते हो गाड़ी काफ़ी स्टेबल फील होती है एंड अगर आपका RPM लेवल हाई होता है तो गाड़ी, ये देखो गाड़ी अभी टोटल स्टॉप पे है, पुटिंग द गियर इनटू इनफैक्ट थर्ड पे अगर इसको करते हैं गाड़ी बढ़ेगी नहीं, द बेस्ट थिंग अबाउट इट गाड़ी बढ़ेगी नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पे ही पिकअप लेती है, अब सेकंड से ही पिकअप इसका देखते हैं बिना एक्सीलरेटर पेडल के, न्यूट्रल पे है,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स स्पीड IMT ट्रांसमिशन है। अब अगर मेरे को इसको रिवर्स पे डालना है, ऐसे अगर करेंगे ये फर्स्ट पे जाएगी गाड़ी। रिवर्स पे डालने के लिए यहाँ पे एक लीवर है, यू नीड टू पुल इट, सेफ्टी मेजर, कि अगर आपको रिवर्स करना है तो आप फर्स्ट गियर में डाल के आगे डैश ना कर दो। आप इसको ऐसे पुल करो, पूरा लेफ्ट रिवर्स लग गया, यहाँ पे आपको रियर कैमरा आ गया। अब करते हैं इसको रिवर्स, बहुत इजीली गाड़ी रिवर्स होती है, टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है। अब हाई स्पीड्स पे अगर हम गियर कम कर देते हैं, लाइक अलग सा वो झटका मारती है गाड़ी, राइट, लेकिन इसमें वो ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स सो स्मूथ, इट्स सो फ्रीकिंग स्मूथ। आप हाई स्पीड्स पे टर्न लो, गाड़ी स्टेबल है। अब हाई स्पीड से अभी तीन नंबर पे है, हियर इट गोज टू फोर्थ। अगर हम इसको अचानक अगर हम सेकंड पे भी करते हैं, गाड़ी झटका नहीं मार रही है। दैट्स वन मोर बेस्ट थिंग अबाउट इट, जो कोई और कंपनी अभी ऑफर नहीं करती है। ये सिर्फ Hyundai ऑफर कर रही है IMT, विच स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब अगर हमारा स्पीड कम है और गियर ऊपर है, तो उस केस में क्या होता है, गाड़ी स्टॉल करने लगती है क्योंकि RPM कम होता है। ये गाड़ी इतनी स्मार्ट है, ये RPM कम होने के बावजूद ये कि आपकी गाड़ी स्टॉल नहीं होगी, ये एंटी स्टॉल फंक्शन Hyundai इसमें क्लेम करती है कि ये गाड़ी किसी भी कंडीशन में स्टॉल नहीं होगी। ये कंपनी टारगेट किसको करती है, लाइक ये ट्रांसमिशन इनफैक्ट टारगेट किसको करती है, क्योंकि एक और एक ये टर्बो इंजन के साथ आती है, सेकेंडली इसमें IMT आता है। अब IMT है क्या, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में उतना कंट्रोल नहीं फील होता है गाड़ी पे, उनको बहुत एंथुजियास्टिक फील चाहिए गाड़ी में, लेकिन उनको वो मिल नहीं पाता है ऑटोमेटिक वेरिएंट पे। मैनुअल उनको सिटी टू सिटी ट्रैफिक, लाइक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होता है क्लच के चलते, क्योंकि क्लच बार बार डिप्रेस करना, प्रेस करना, वो लेफ्ट लेग के लिए थोड़ा इशू हो जाता है। तो कंपनी टारगेट उन लोगों को करती है जिनको गाड़ी पे फुल कंट्रोल रखना है, मगर उनको एक मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए विदाउट क्लच और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। लाइक इसका जो माइलेज परफॉर्मेंस बेहतरीन है इन इट्स सेगमेंट, लाइक इससे ज़्यादा पावरफुल कोई और गाड़ी नहीं है। 120 हॉर्स पावर ना ही आपको एल्ट्रॉस प्रोवाइड करती है और ना ही बलिनो। अब इस गाड़ी में पावर है, अगर आप हाई स्पीड से पुश करोगे ब्रेकिंग कैसा होगा, अब इसकी एक ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। ABS प्लस CVD आपको यहाँ स्टैंडर्ड मिलता है। बहुत ही बेहतरीन, देखो यहाँ पे हजार्ड लाइट ऑन हो गया, इमरजेंसी स्टॉप लाइट। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकिंग है इस गाड़ी का, आपको नोज बाइट हाई स्पीड्स पे जरूर मिलेगा। अब वंस यू पुट इट इनटू फर्स्ट गियर, गाड़ी मूव करती है, ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। बहुत बेहतरीन सेफ्टी मेजर, और इस गाड़ी में नोज बाइट जरूर मिलेगा। रीजन, सस्पेंशन जो इस प्रकार से ट्यूनिंग की गए हैं कि बहुत लाइक हार्ड सस्पेंशन नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक वाली गाड़ी नहीं, आप इसको यूज़ करोगे डेली कम्यूट व्हीकल के तौर पे, तो उसके लिए सॉफ्ट सस्पेंशन है। नोज बाइट मिलेगा, और डिस्पाइट द फैक्ट गाड़ी के रियर में डिस्क ब्रेक्स नहीं है, रियर में ड्रम ब्रेक है, फ्रंट में सिर्फ डिस्क ब्रेक है, उसके बावजूद बहुत बेहतरीन ब्रेकिंग है। ट्रांसमिशन फ्लूइड आते हैं ना ट्रांसमिशन बॉक्स, Hyundai इसे कहती है आप आराम से चेंज कराओ, आप हर 20 से 60,000 किलोमीटर के बीच आप कभी भी चेंज करवाओ, लाइक 20,000 किलोमीटर से पहले नहीं और 60,000 किलोमीटर से पहले प्रेफरेबली होता है कि आप चेंज करवाओ। इसके चलते मेंटेनेंस कॉस्ट इस गाड़ी का काफ़ी कम हो जाता है। अगर देखें प्रीमियम हैचबैक, प्रीमियम गाड़ियां जितनी भी होती है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ अ मस्ट, लाइक यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इनटू दैट। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, यू गेट मोर पावर, यू गेट मोर फन, एंड व्हाट ऑल डू यू नीड इन अ प्रीमियम हैचबैक, दैट टू अ टर्बो वेरिएंट। सो दैट्स ग्रेट, That's really great. ये थी कुछ बातें प्रीमियम हैचबैक Hyundai की i20 के बारे में। अब डेफिनेटली क्या ये गाड़ी मार्केट कवर करेगी? बिल्कुल करेगी, मगर क्या परेशानी इस गाड़ी को आएगी मार्केट में? सबसे पहली परेशानी, सबसे मेजर परेशानी, ये गाड़ी लाइक जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस प्राइस पॉइंट को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है, मगर इसके ऊपर वाली सेगमेंट में जो गाड़ी आती है वो है कॉम्पैक्ट SUV की सेगमेंट। इस गाड़ी में कई गाड़ियां ऐसी हैं कॉम्पैक्ट SUV की जिससे ज़्यादा फीचर इस गाड़ी में मिलता है। कॉम्पैक्ट SUV कुछ ही को आपको आइकॉनिक का अवार्ड मिला है, इस गाड़ी को आइकॉनिक का अवार्ड मिला है, विच क्लियरली शोज़ ये गाड़ी जो है
लाइक इट्स एक्चुअली वेरी वैल्यू फॉर मनी कार एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स ले लो बहुत बढ़िया है. अब ये थी कुछ बातें हिंडा i20 प्रीमियम हैचबैक के बारे में. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, ड्राइव सेफ, बी सेफ.